हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ अंतरा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। तो जी, सुबह का टाइम है। कल मैं कोई भी ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी किसी भी चैनल पर, ना शॉर्ट्स ना लॉन्ग। मेरा कल बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं इतना ज़्यादा बिजी थी ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। अगर ब्लॉग शूट रहता तो एडिट ज़रूर कर लेती, लेकिन ब्लॉग मेरा शूट ही नहीं था। तो अभी सुबह उठी तो सोची चलो ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे जो भी मशीन में कपड़े धुल गए हैं उनको मैंने निकाल लिया है, बाकी जो कपड़े धुलने वाले हैं उसको मैं मशीन में डाल देती हूँ। कल हुआ था ना कि मशीन में ना पता नहीं क्यों अर्थिंग की वजह से, क्या ही वजह से, थोड़ा बहुत सा करेंट आ रहा था। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ तो, डर लगने लगा, क्योंकि करंट से भाई बिजली से बहुत डर लगता है। तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे लगा ऐसा कि पानी की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि उसके नीचे में ना मशीन के नीचे में पानी बहुत ज़्यादा गिर गया था, जिसके वजह से पानी जम गया था। तो फिर मैंने उसको हटा के धूप में सुबह से ले कर रात तक छोड़ दी, क्योंकि कल मैं दिन भर घर में ठीक से थी नहीं। तो इसीलिए सुबह मैंने मशीन निकाल के धूप बालकनी में रख दी थी धूप में। उसके बाद मैं सीधे शाम के टाइम पे, शाम नहीं रात के टाइम पे मशीन अंदर डाली जब मैं आई थी। तो मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, वो सब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, मतलब वीडियो तो बनाया है लेकिन समय आने पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो मतलब लिक्विड है वो मैंने डाल दिया है। और इस बार कुछ सामान फ्लिपकार्ट से ग्रॉसरी का आया था, मैंने आप लोग को बताया ही था। तो थोड़े बहुत से कपड़े हैं बच गए हैं और धुलने के लिए, बाकी कपड़े मैंने मशीन में डाल दिया है, धुलते रहेंगे। तब तक पहले का कपड़ा जितना भी है मैं पसार देती हूँ, मतलब कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो अभी तो मैंने ना खाना खाया है और ना खाना बनाया है। कल मैं जब रात में आई ना, इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना फ्रेंड, कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि पता है आपको, सुबह ब्लॉग भी स्टार्ट करने का मन जो है ना वो नहीं कर रहा था। फिर मैं सोची कि नहीं, कल भी मेरे चैनल पे, किसी भी चैनल पे अगर ब्लॉग चला जाता है ना एक भी, तो तसल्ली रहता है। लेकिन मेरे किसी भी चैनल पे फ्रेंड ब्लॉग वीडियो नहीं गया हुआ था, तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, आज तो मैं वीडियोस जो है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसकी क्लीनिंग, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कपड़े, जितने भी कपड़े हैं ना, सारे के सारे कपड़े मैं यहीं पर डालती हूँ सूखने के लिए। छत पर नहीं जाती हूँ, क्योंकि एक तो रीज़न बाबू है कि छोटा वाला बाबू मेरा रोने लगेगा अगर मैं छत पर गई, अगर वो सुला के गई, अगर उठ तो रोना स्टार्ट हो जाएगा उसका। और सेकेंड बात ये है कि मैं मतलब इतना धूप रहता है ना कि मन भी नहीं करता कि छत पे जाऊँ, तो इस वजह से ये रीज़न है कि मैं छत पे क्यों नहीं जाती हूँ। सो यहाँ पे जो भी कपड़े हैं, सारे कपड़े तो धुले हुए हैं, थोड़ा सा धूप लग जाएगा सारे के सारे कपड़े जो है ना सूख जाएंगे। हमारे इधर तो गर्मी इतना है ना कि इस गर्मी में तो इंसान सूख जाए, ये कपड़े क्या ही चीज़ें हैं। तो बस पहले मैं सारे कपड़े को सुखा लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि खाना में क्या बनेगा। हालांकि मैं जो कद्दू होता है ना, लौकी, वो लौकी दो है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक लौकी को बना देती हूँ, एक लौकी रहने देती हूँ, दाल के साथ बनाऊँगी, और एक लौकी को ऐसे ही ना बना देती हूँ। तो भाई पहले तो सारे कपड़े जितने भी वो धोने के लिए डाल देती हूँ, जैसे कपड़े सूख जाएंगे। और यहाँ पर ना स्पेस थोड़ा सा कम है, क्योंकि आधा दूर में बालकनी में तो मैं फ्लावर्स का पेड़ लगा के रखी हूँ, इसीलिए ना थोड़ा कपड़े डाल सूखने डालने में थोड़ा सा इश्यूज होता है। बट मैं इस तरीके से, देख सकते हैं, इस तरीके से मैं लगा ली हूँ और इस पे सारे कपड़े जो है डाल दूँगी सूखने के लिए। के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में अपना खाना पीना की तैयारी करने के लिए। पता है क्या होता है, जिस दिन मैं सुबह सुबह टाइम से खाना बना लेती हूँ ना, तो सही रहता है, मैं भी थोड़ी सी फ्री रहती हूँ। लेकिन जिस टाइम दिन मैं सुबह जल्दी खाना नहीं बनाती, उस दिन मेरा बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि तुरंत बाबू को संभालना पड़ता है, तुरंत काम करना पड़ता है, इसी बीच बाबू रोने लगता है, तो फिर उसके पास भी जाना पड़ता है, तो ऐसा वाला सीन है। तो इसीलिए ना मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के जब रहे ना, तभी मैं घर का सारा काम जो है ना वो निपटा लूँ। बट वही है कि हो नहीं पाता है, क्योंकि
क्योंकि सुबह से कल रात में मतलब इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना, इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझे कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था कि सुबह मैं उठ के खाना पीना बनाऊँ। यही रीज़न के वजह से ना मैं रिशांग को स्कूल भी नहीं भेज पाई थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का, ना आँख खोलने का हिम्मत हो रहा था, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए मैं आज उसको स्कूल भी नहीं। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं जो लौकी है वो काट रही हूँ। पता है आपको, एक शॉर्ट वीडियो में मतलब लौकी को गलती से कद्दू बोल दी थी, क्योंकि हमारे इधर ना इसको कद्दू भी बोलते हैं हाजीपुर साइड। तो पता है इतना लोगों का कमेंट आने लगा कि आप क्या बोली हैं, आपको पता है क्या बोलिए, पता है। तो कभी कभी सही बात है कि हम जो बोलते हैं ना वो हम लोग को पता भी नहीं रहता, इसीलिए कहते नहीं कि तोल मोल के बोलना चाहिए, तो सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे रिशांग को मैं अभी उठा दी हूँ, मैंने कहा कि जाके ब्रश व्रश कर लो और भी ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो ब्रेकफास्ट में मुझे लगता है जैसा वाटर मेलन ही खाएगा, क्योंकि वो देखा हुआ है घर में कि वाटर मेलन ही आया हुआ है। वाटर मेलन उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं कहूँगी शायद सारे फ्रूट्स में उसको वाटर मेलन ही पसंद है। तो बस वही खाने वही वो खाएगा ब्रेकफास्ट के बाद, तब तक हमारा लंच जो है वो ऑलमोस्ट रेडी जो है वो हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे हल्दी और डाल के और थोड़ा सा पानी ऐड करके इस कद्दू को ना बॉईल कर लेती हूँ अच्छे से, मतलब लौकी को अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी, और साथ में आलू बैंगन भी मैंने मतलब अभी काटा नहीं है, अभी थोड़ी देर में आलू बैंगन भी काट लूँगी। और सिर्फ लहसुन का फ़ौरन डाल के आलू बैंगन का सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पता है अभी मैं जैसे जैसे काम कर रही थी ना, मेरा बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था, फिर मैं जाके उसको शांत करवा रही थी, फिर मैं अपना काम कर रही थी, और लास्ट में मैं उसको जाके ले ही आई किचन में, क्योंकि इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना कि बार बार मुझे उसके पास जाना पड़ रहा था। तो अभी लौकी की सब्ज़ी, आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी और कद्दू का सब्ज़ी, मतलब लौकी की सब्ज़ी यही बनाऊंगी। दाल सोची बनाई, हस्बैंड से पूछी तो हस्बैंड बोले मैं नहीं खाऊँगा दाल, तुम खा लो। फिर मेरा भी मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो जो है पहले वही खा लेती हूँ, पहले तो बनाना है भाई, क्योंकि बिना बनाए तो मिलने वाला नहीं है, है ना। तो बस वही है, तो अभी बस फटाफट से खाना जो है वो तैयार कर देंगे। और मैं आपसे एक बात बोलूं, समय मतलब अगर 5 मिनट भी हम लोग अगर अपने लिए टाइम ना निकाले ना, तो शायद हमारे पास कभी टाइम नहीं निकलेगा। जैसे अभी देख लीजिए कि मुझे जब भी पार्लर जाना पड़ता है ना, मुझे हस्बैंड को बुलाना पड़ता है कि आप थोड़ा सा रहो, क्योंकि अगर मैं पार्लर जाऊँगी तो छोटा वाला बाबू कहाँ रहेगा, है ना। इसीलिए फैमिली के साथ जो लोग रहते होंगे उन लोग थोड़ा सा टेंशन में भी रहते होंगे, थोड़ा सा फ्री भी रहते होंगे, ऐसा है। तो देखिए अभी मैंने ये सब कर लिया है, ये सब हटा लेती हूँ, उसके बाद रिशांग को तरबूज काट के दे दूँगी। और बस ऐसे ही, पता अपना सुबह सुबह उठ के ना अपना घर का काम ना ऐसे ही मैं अपना करती रहती हूँ। जब तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो मैं अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहती हूँ, फिर मैं आराम आराम से काम जो है ना वो करती रहती हूँ। एकदम बोले ना कि एकदम प्रेशर कभी कभी ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो लगता है कुछ नहीं बोलूँ कुछ नहीं बोलना है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी, आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं गया था किसी भी चैनल पे, दोनों चैनल में से एक भी ब्लॉग नहीं गया था। मुझे सच बताओ खुद भी नहीं अच्छा लग रहा था कि आप लोग के साथ मैंने ब्लॉग शेयर नहीं किया है, क्योंकि ब्लॉग एडिट ही सॉरी शूट ही नहीं था। अगर शूट रहता तो मैं टाइम निकाल के कैसे भी एडिटिंग कर लेती, बट कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। किस चीज़ में बिजी थी वो आप लोग को जल्द ही पता चलेगा। सो गाइज, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे चेहरे पे खुशी देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ रिले लिटरली। कल मैं चैनल पे ब्लॉग नहीं डाल पाई, इस बात का तो मुझे अफसोस था ही, क्योंकि मेरे किसी एक चैनल पे ब्लॉग जाता है ना तो मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को मेरे ब्लॉग का वेट रहता है। लेकिन कल मैंने मतलब बहुत अच्छा काम किया, लाइक ऐसा बोल सकती हूँ, बहुत ही बहुत बरसों का सपना जो है ना
वो पूरा किया है। सो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग के साथ बिना शेयर किए मेरा मतलब कोई भी जो भी मेरे सपने वो अधूरे रहते जब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर ना कर दूँ। बट थोड़ी बहुत से रीजंस है क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ आप ही लोग नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं कुछ नहीं भी बताना चाहती हूँ। तो इस वजह से जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उन लोगों को तो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन जो कह सकते हैं हेटर्स उनको नहीं बताना चाहती हूँ। सो कोई बात नहीं है। तो मैंने कुकर में चढ़ाया है लौकी, यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे काटा है मैंने आलू और बैंगन। और आलू बैंगन देखिए, आलू और बैंगन काटा है, इसकी बनाऊंगी सब्जी, रोटी बनाऊंगी, चावल देखती हूँ बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, अभी कंफर्म नहीं हूँ, नहीं तो रोटी सब्जी बना दूंगी। और अभी जा रही हूँ रिशांग को फ्रूट देने के लिए, उसको स्कूल भी मैंने नहीं भेजा है। तो बाबू जल्दी से ब्रश कर लो, ब्रश कर लो जल्दी से, मम्मी फ्रूट्स काट रही है। क्या खाएगा, वाटरमेलन खाओगे? वाटरमेलन हाँ ठीक है। तो उसके लिए ना तरबूज काट देते हैं, खा लेगा वो। और मुझे भी नहाना है, पूजा करना है, क्योंकि आज थर्सडे है ना, तो बिना पूजा के मैं फ्रूट्स भी नहीं खाती हूँ। सो चलिए बात करते करते 2 मिनट हो गया है, तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद आ गई थी थोड़ा सा बेड को ठीक करने के लिए, कल रात में ही मैं बेडशीट लगाई थी क्योंकि कल रात में जब वहाँ से आया थे ना तो पता है मतलब इतना ज़्यादा मतलब गर्मी लग रहा था, मन अजीब हो रहा था। तो हस्बैंड बोले थोड़ा सा नहा लो, नहाने के बाद ना अच्छा फील करोगी। मैंने कहा चलो नहा लेते हैं, तो मतलब नहाई, उससे पहले बेडशीट में लगा दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, रात के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। आप सोचिएगा कि रूम में एसी है तो गर्मी क्यों लगेगा, तो गर्मी लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है फ्रेंड, बहुत गर्मी लगता है। इस रूम में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगता है। पता है अभी मैं आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा रह रहा है कि आँख बंद हो जा रहा है, मतलब सोने के लिए मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं अभी सो जाऊँ, ऐसा मन हो रहा है। पर इतना मतलब क्या ही बोले आपको। अभी रिशांक से मैं कुछ बातें कर रही थी, अच्छा मुझे कमेंट आया था कि अब तो आपका बेबी हो गया, आप दोनों फ़ोटो हटा दो। नहीं हटाई हूँ क्योंकि देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए नहीं हटाई होगा। अच्छा नहीं लगता तब ज़रूर हटा देती, लेकिन अच्छा लग रहा है तो क्यों हटाएंगे, है ना। तो ऐसा वाला सीन है। अभी बस ये सब झाड़ लेते, पूरा उतार के नहीं झाड़ रही हूँ क्योंकि उतार के झाड़ने में ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो लग जाता है। तो अभी मतलब उतार के नहीं झाड़ूंगी, बस ऐसे ही झाड़ देती हूँ। और मैं सोच रही थी कि उतार के मतलब बेडशीट चेंज कर दूँ क्या, लेकिन फिर मुझे याद आया कि बेडशीट तो सारे के सारे धोने के लिए हैं, तो क्या ही मैं बोलूँगी। तो चलिए ये सब काम तो हो गया, साथ में सोफ़ा भी क्लीनिंग जो है वो करने में लग गई है, तो वो सब भी कर लेते हैं। और पता है आज वीडियो एडिटिंग करते करते ना मुझे इतना नींद आ रहा था, इतना नींद आ रहा था ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा नींद आता है मुझे आजकल। Thank you.
पता है आपको फ्रेंड, जब ये सब काम कर रही थी बाबू इतना ज़्यादा रोने लगा था ना कि फिर मैं उसको किचन में लेके चली आई थी। तो आप लोग पूछते हैं ना कि जब बाबू रोता है तो आप काम कैसे करती हो, तो या तो मैं उसके पास बैठ जाती हूँ उसको खिलाने के लिए, या तो फिर मैं उसको किचन में ले आती हूँ, उससे बातें करते रहती हूँ जिससे कि उसको लगता है कि हाँ मम्मी मेरे साथ ही एंगेज है, अपने काम के साथ नहीं है। नहीं तो उस बच्चों का क्या है ना कि बस मतलब बदमाशी तो हद से ज़्यादा, इतना तो रिशांग बदमाश नहीं था जितना ये बदमाश है। आँख बंद करके रोने लगता है ना तो फिर रोने ही लगता है, मतलब चुप ही नहीं होता, ऐसा वाला सीन है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, इसमें डाल दूँगी मैं सरसों, लाल मिर्च और बैंगन आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ढेर सारा सरसों जो है ना वो सॉरी ढेर सारा लहसुन जो है ना उसको कट करेंगे, लहसुन डालेंगे। बैंगन की सब्ज़ी में ना लहसुन और सरसों का स्वाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो किन किन को पसंद है आलू बैंगन की सब्ज़ी मुझे ज़रूर बताइए। शांको वाटरमेलन कट करके दे दी थी, तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्ज़ी। प्याज लहसुन मैं तड़का के लिए डाल दूँ कि उस बना लूँगी, मतलब तड़का दूँगी उसके। यहाँ आलू बैंगन की सब्ज़ी अभी थोड़ा सा 5-6 मिनट और भी होगा, वैसे पक गया लेकिन और भी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा और होगा तो अच्छा लगेगा खाने में। फिर मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा के उसमें डाली हूँ मैं सरसों का तेल और थोड़ा सा जीरा मिर्च और प्याज लहसुन डाल के थोड़ा सा उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद उसमें कद्दू ऐड करेंगे और कद्दू ऐड करने के बाद कद्दू को मैं हल्दी डाल के बॉयल कर ली थी, तो आपको ऊपर से हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बॉयल करते टाइम हल्दी नहीं डाली है तो ही फिर आप हल्दी जो है वो ऐड कीजिएगा। नमक ऐड करके कद्दू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है कद्दू का सब्ज़ी। तो जिन लोगों को कद्दू नहीं पसंद है वो लोग कद्दू खा के देखिए, कद्दू आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक रिशांग ना बाबू के साथ खेल रहा था, तो जाके मैं देखने लगी उस दोनों का कि प्यार देखिए अच्छा लगता है ना, छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ ही खेलते हैं। तो सेम वही चीज़ है, देखिए कैसे अपने भाई के साथ ये खेल रहा है और कितना इसको अच्छा लग रहा है इसको खेलने में इसके साथ। मुझे ये देख के मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद इसीलिए दो बच्चा ज़रूरी होता है, तभी सब लोग कहते हैं कि दो बच्चा ज़रूरी है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ अच्छे से खेलता है। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई, सब्ज़ी बनाने लगी, साथ में मैंने थोड़ा सा राइस भी चढ़ा दिया है और अभी आटा गूंथने के लिए मशीन में डाल दूँगी रोटी बनने के लिए, मतलब आटा सान लूँगी उसके बाद जो रोटी है ना वो बनाऊँगी। रोटी ज़्यादा नहीं बनता है, दिन हो चाहे रात 4 रोटी ही गिन के बनता है क्योंकि थोड़ा सा राइस भी रहता था, दोनों मिला के हम लोग जो है खा लेते हैं। तो अभी ये सब करने के बाद ना हस्बैंड का लंच पैक कर दूंगी, वो किसी को भेज देंगे तो फिर मैं उनका खाना उनको जो है दे दूंगी। इस तरीके से पता है मैं काम करती हूँ, आजकल तो मतलब समय का पता ही नहीं चलता कितना ज़्यादा समय कट जाता है। और आजकल मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आता है, पता नहीं क्यों लगता है कि नींद पूरा नहीं हो रहा है इसलिए नींद आ रहा है कि क्या बात है पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद जो है वो आता है। तो अभी मैं आटा निकाल रही हूँ आटा गूंथने के लिए कि आटा मशीन में डाल दूंगी, इधर काम करती रहूंगी तब तक आटा जो है गूंथ जाएगा और फटाफट से रोटी जो है मैं सेक लूंगी। तो बस अब कोई काम नहीं है, सिर्फ रोटी ही सेकना है, बाद बाकी खाना जो है वो हमारा ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो ही चुका है। पता है आपको एक बात बताओ, एक तो सुबह सुबह उठने का मन नहीं करेगा और एक दोपहर में थोड़ा सोने का मन करेगा, तो फिर आप बच्चे की वजह से सो नहीं पाओगे है ना। लेकिन फिर भी जब कुछ लोगों के मुँह से सुनती हूँ ना कि मेरे पास काम ही क्या है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब क्या बताऊँ बुरा लगता है कि लोग कैसे सोचते हैं कि मेरे पास काम ही क्या है, इतना सारा तो काम है फिर भी कहते हैं लोग कि क्या ही काम करती। तो उस टाइम पता है आपको बहुत बुरा भी लगता है ना। तो बस यहाँ पे आटा लगा देती हूँ मैं, आटा मतलब गूंथते रहेगा और साथ में मैं अपनी किचन का काम भी जो है ना वो समेटते रहूँगी। और मतलब मैं सोचती हूँ ना बार बार थोड़ा सा जाऊँ तो बार बार का शूट करूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। बाहर जाती हूँ बहुत कम टाइम के लिए, कोई ज़रूरी काम ऐसा होता है तभी बाहर जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं घूमने टहलने के लिए हमेशा बाहर घर से निकल जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे जितने भी सीसा का जितना बर्तन है ना, कांच का बर्तन रंजना धो के गई थी, तो वो सारे बर्तन जो है ना मैं डाल देती हूँ सेल्फ पे, रैक पे सारा बर्तन ना मैं डाल देती हूँ।
सारा काम तो हो गया, आप चलिए फटाफट से रोटी जो है ना वो बना देते हैं। बस तो ज़्यादा रोटी तो बनाना नहीं है, आप लोग को पता ही है। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड इसी के साथ हम लोग एंड करेंगे और आप लोग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबके पास जाएगा। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट ना देते रहिए। आपके प्यार और बिना सपोर्ट के मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है। सो प्लीज़ गाइज थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो देखिए मैंने रोटी ऑलमोस्ट मतलब बना ही लिया है, मतलब ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 3-4 रोटी सेकने में क्या ही टाइम लगेगा। इतना बड़ा आटा गूंथने वाला है जिसमें 3-4 ही आटा जो है मतलब रोटी का आटा जो है वो मैं मतलब गूंथती हूँ बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे हस्बैंड से मेरा कुछ बात हो रहा था तो थोड़ा हंसी मजाक यही सब हो रहा था। लाइफ में फ़न भी ज़रूरी है क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा बोर हो जाता है ना घर में रह रहे कि लाइफ में फ़न भी ज़रूरी है। तो आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।